राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो राष्ट्रीय खेल एवं साहस पुरस्कार समारोह 2017 का शुभारंभ किया जाए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 श्री सरदार सिंह। में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्री सरदार सिंह ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2016 और एशियाई खेल 2014 में स्वर्ण पदक और राष्ट्रमंडल खेल 2014 में रजत पदक जीता। श्री सरदार सिंह को हॉकी में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री सरदार सिंह। श्री देवेंद्र पैरा एथलेटिक्स। चार में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्री देवेंद्र ने रियो पैरालंपिक्स 2016 ब्राजील, आईपीसी एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2015 में रजत पदक, इंचियोन दक्षिण कोरिया में पैरा एशियाई खेलों 2014 में रजत पदक जीता और आईपीसी एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2013 में और रियो पैरालंपिक्स 2016 ब्राजील में स्वर्ण पदक जीता। श्री देवेंद्र को पैरा एथलेटिक्स में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री देवेंद्र। स्वर्गीय डॉक्टर आर गांधी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। स्वर्गीय डॉक्टर आर गांधी भारतीय खेल प्राधिकरण में एथलेटिक्स के कोच थे। राष्ट्रीय स्पर्धाओं और एशियाई चैंपियनशिपों में स्वर्गीय डॉक्टर आर गांधी के शिष्यों ने अनेक पुरस्कार जीते हैं। इनमें मुख्य हैं श्री केटी इरफान, श्री बलजिंदर सिंह और श्री चंदन सिंह। इनकी कोचिंग में ही श्री गुरमीत सिंह ने ओलंपिक्स 2012 और 2016 में 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग के लिए क्वालिफाई किया। स्वर्गीय डॉक्टर आर गांधी को कोचिंग के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। स्वर्गीय डॉक्टर आर गांधी पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं उनकी पत्नी डॉक्टर साई लक्ष्मी गांधी। श्री जी एस एस वी प्रसाद। श्री जी एसएसबी प्रसाद ने अनेक ऐसे बैडमिंटन खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट्स में भाग लिया और देश को गौरवान्वित किया। इनमें से मुख्य प्रशिक्षु श्री पुलेला गोपीचंद, सुश्री अपर्णा पोपट और श्री निखिल कनितकर हैं। श्री जी एसएसबी प्रसाद को बैडमिंटन के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत से सम्मानित किया जाता है। श्री जी एसएसबी प्रसाद।
श्री ब्रजभूषण मोहंती। मुक्केबाजी के कोच श्री ब्रजभूषण मोहंती के विगत 25 वर्षों में इनके अनेक प्रशिक्षुओं ने एशियाई खेलों, एशियाई चैंपियनशिपों और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते हैं, जिनमें मुख्य हैं श्री विकास कृष्ण, श्री शिव थापा, श्री गुरचरण सिंह और श्री एल देवेंद्र सिंह। श्री ब्रजभूषण मोहंती को बॉक्सिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत से सम्मानित किया जाता है। श्री ब्रजभूषण मोहंती। श्री पी ए राफेल। 1971 से हॉकी के कोच श्री पी ए राफेल वर्ष 1987 में भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच थे। इनके शिष्यों ने विश्व कप 1998, एशियाई खेल 1998 और 1994 में पदक जीते। श्री दिनेश नायक, श्री बलजीत सिंह ढिल्लन, मोहम्मद रियाज और श्री जयूड मैंजेस आपके शिष्य रहे हैं। श्री पी ए राफेल को हॉकी में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत से सम्मानित किया जाता है। श्री पी ए राफेल। श्री संजोय चक्रवर्ती। निशानेबाजी के कोच श्री संजोय चक्रवर्ती ने अनेक उत्कृष्ट निशानेबाजों को प्रशिक्षित किया है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। इनमें मुख्य नाम हैं श्री गगन नारंग, सुश्री अंजलि भागवत, सुश्री दीपाली देशपांडे और सुश्री आयोनिका पॉल। श्री संजोय चक्रवर्ती को निशानेबाजी कोचिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत से सम्मानित किया जाता है। श्री संजोय चक्रवर्ती। श्री रोशन लाल। श्री रोशन लाल कुश्ती के कोच हैं। ये वर्षों से कुश्ती की सेवा करते आ रहे हैं। ये 20 वर्षों तक भारतीय टीम के कोच रहे। इन्होंने अनेक उत्कृष्ट पहलवानों को प्रशिक्षित किया है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। इन प्रशिक्षकों में मुख्य नाम श्री रोहतास दहिया, श्री ज्ञान सिंह, श्री कुलदीप सिंह और श्री पप्पू यादव के हैं। श्री रोशन लाल को कोचिंग के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री रोशन लाल। अर्जुन पुरस्कार 2017, सुश्री विजय सुरेखा तीरंदाजी। इन्होंने 19वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2015 में स्वर्ण पदक और रजत पदक टीम स्पर्धा में, इंचियोन दक्षिण कोरिया में 17वें एशियाई खेलों 2014 में कांस्य पदक टीम स्पर्धा में जीता। सुश्री विजय सुरेखा को तीरंदाजी में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री विजय सुरेखा।
सुश्री खुशबीर कौर एथलेटिक्स, इन्होंने इंचियोन दक्षिण कोरिया में 17वें एशियाई खेल 2014 में 20 किलोमीटर रेस वॉक में रजत पदक जीता। रियो ओलंपिक्स 2016 ब्राज़ील और आईएएफ विश्व रेस वॉकिंग कप 2013 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सुश्री खुशबीर कौर को एथलेटिक्स के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री खुशबीर कौर। नायक सूबेदार अरोकिया राजीव एथलेटिक्स, इन्होंने इंचियोन दक्षिण कोरिया में 17वें एशियाई खेल 2014 में पुरुष 400 मीटर में कांस्य पदक जीता और रियो ओलंपिक्स 2016 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नायक सूबेदार अरोकिया राजीव को एथलेटिक्स के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नायक सूबेदार अरोकिया राजीव। सुश्री प्रशांति सिंह बास्केटबॉल, इन्होंने 17वें एशियाई खेल 2014 में छठा स्थान, 25वें फीवा एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2013 में पांचवां स्थान प्राप्त किया। सुश्री प्रशांति सिंह को बास्केटबॉल के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2017 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री प्रशांति सिंह। सूबेदार लेशराम देवेंद्र सिंह वीएसएम मुक्केबाजी, इन्होंने थाईलैंड में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2015 में कांस्य पदक, स्कॉटलैंड में 20वें राष्ट्रमंडल खेल 2014 और जॉर्डन में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2013 में रजत पदक जीता। सूबेदार देवेंद्र सिंह वीएसएम को मुक्केबाजी के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार लेशराम देवेंद्र सिंह वीएसएम। सुश्री हरमनप्रीत कौर क्रिकेट, इन्होंने 64 एक दिवसीय मैचों में 2 शतकों और 8 अर्धशतकों के साथ 1632 रन बनाकर और 13 विकेट लेकर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। 2 अर्धशतकों के साथ 1223 रन बनाकर और 15 विकेट लेकर 68 T20 मैच भी खेले। 2013 में अहमदाबाद में बांग्लादेश के खिलाफ 103 और मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ 107 स्कोर किया। सुश्री हरमनप्रीत कौर को क्रिकेट में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री हरमनप्रीत कौर। सुश्री ओइनम बेम बेम देवी फुटबॉल, ये तीसरी SAAFF चैंपियनशिप 2014 में विजेता भारतीय फुटबॉल टीम की कैप्टन थी।
मालदीव महिला लीग 2014 की विजेता हैं। वर्ष 2013 भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर और महिला ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट रियो 2016 में इन्होंने भाग लिया। सुश्री ओइनम बेमबेम देवी को फुटबॉल के क्षेत्र में इनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2017 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री ओइनम बेमबेम देवी। श्री शिव शंकर प्रसाद चौरसिया गोल्फ। ये हीरो इंडियन ओपन 2017, रिसॉर्ट वर्ल्ड मनीला मास्टर 2017, हीरो इंडियन ओपन 2016 और पैनासोनिक ओपन 2014 के विजेता हैं। श्री शिव शंकर चौरसिया को गोल्फ में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री शिव शंकर प्रसाद चौरसिया। श्री एस वी सुनील हॉकी। इन्होंने इंचियोन दक्षिण कोरिया में 17वें एशियाई खेल 2014 में स्वर्ण पदक, 20वें राष्ट्रमंडल खेल 2014 में रजत पदक जीता और रियो ओलंपिक खेल 2016 में भाग लिया। श्री एस वी सुनील को हॉकी के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री एस वी सुनील। श्री जसवीर सिंह कबड्डी। इन्होंने अहमदाबाद में 3रे विश्व कप 2016 और इंचियोन दक्षिण कोरिया में 17वें एशियाई खेल 2014 में स्वर्ण पदक जीता। श्री जसवीर सिंह को कबड्डी में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2017 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री जसवीर सिंह। श्री पी एन प्रकाश निशानेबाजी। इन्होंने इंचियोन दक्षिण कोरिया में 17वें एशियाई खेल 2014 में और कोरिया विश्व कप 2013 में कांस्य पदक, स्कॉटलैंड में 17वें राष्ट्रमंडल खेल 2014 में रजत पदक और ईरान में 6ठे एशियाई चैंपियनशिप 2013 में 2 रजत पदक व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा के लिए जीते। श्री पी एन प्रकाश को निशानेबाजी के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2017 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री पी एन प्रकाश। श्री ए अमलराज टेबल टेनिस। श्री ए अमलराज ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2015 में स्वर्ण पदक टीम स्पर्धा में, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2015 में रजत पदक और कांस्य पदक डबल्स में, राष्ट्रमंडल खेल 2014 में रजत पदक पुरुष डबल में, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2013 में रजत पदक टीम के लिए जीता। श्री ए अमलराज को टेबल टेनिस के क्षेत्र में इनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री ए अमलराज। श्री साकेत मायनेनी टेनिस।
इन्होंने इंचियोन दक्षिण कोरिया में एशियाई खेल 2014 में स्वर्ण पदक मिक्स डबल में, इंचियोन दक्षिण कोरिया में एशियाई खेल 2014 में पुरुष डबल में रजत पदक जीता। श्री साकेत मायनैनी को टेनिस में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2017 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। श्री साकेत साई मायनैनी। श्री सत्यव्रत काद्यान कुश्ती। इन्होंने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2016 और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2013 में स्वर्ण पदक, राष्ट्रमंडल खेल 2014 में रजत पदक और एशियाई चैंपियनशिप 2014 में कांस्य पदक जीता। श्री सत्यव्रत काद्यान को कुश्ती में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री सत्यव्रत काद्यान। श्री मरियप्पन टी पैरा एथलेटिक्स। श्री मरियप्पन टी ने ब्राज़ील में रियो पैरालंपिक्स 2016 और आईपीसी एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2016 में स्वर्ण पदक जीते। श्री मरियप्पन टी को पैरा एथलेटिक्स में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री मरियप्पन टी। श्री वरुण सिंह भाटी पैरा एथलेटिक। श्री वरुण सिंह भाटी ने ब्राज़ील में रियो पैरालंपिक्स 2016 में कांस्य पदक, आईपीसी एथलेटिक एशिया 2016 में स्वर्ण पदक जीते। श्री वरुण सिंह भाटी को पैरा एथलेटिक्स में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री वरुण सिंह भाटी। ध्यानचंद पुरस्कार 2017। श्री भूपेंद्र सिंह एथलेटिक्स। श्री भूपेंद्र सिंह ने 2002 और 2006 के 14वें एवं 15वें एशियाई खेलों में 4x400 मीटर रिले रेस में 2 रजत पदक जीते। 2010 में सक्रिय खेल करियर से संन्यास लेने के बाद ये एथलेटिक्स खिलाड़ियों को कोचिंग दे रहे हैं। सुश्री रजनी नागर, श्री इंजरजीत पटेल, श्री दिगंबर और श्री कृपालू इनके प्रशिक्षु हैं। श्री भूपेंद्र सिंह को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री भूपेंद्र सिंह। स्क्वाड्रन लीडर सैयद शाहिद हाकिम। ये उस भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य थे जिसने ओलंपिक खेल 1960 में भाग लिया था। 1966 में सक्रिय खेल करियर से संन्यास के बाद आप 1968 से फुटबॉल कोचिंग दे रहे हैं और 1989 से रेफरी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर सैयद शाहिद हाकिम को उनकी उपलब्धियों और फुटबॉल को बढ़ावा देने के उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 2017 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। स्क्वाड्रन लीडर श्री सैयद शाहिद हाकिम।
सुश्री सुमराई टेटे, ये उस भारतीय हॉकी टीम की सदस्य थीं जिसने 2002 और 2006 के 17वें और 18वें राष्ट्रमंडल खेल में एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीता था। 2006 में सक्रिय खेल करियर से संन्यास के बाद अब भारतीय महिला हॉकी टीम, भारतीय रेलवे टीम और झारखंड राज्य टीम की कोच और प्रबंधक के रूप में कार्य कर रही हैं। सुश्री सुमराई टेटे को उनकी उपलब्धियों और हॉकी को बढ़ावा देने के उनके योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2017 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री सुमराई टेटे। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2016 है। श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल। पद्मश्री से सम्मानित श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल इस समय टाटा स्टील के साहस विभाग में अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। ये विश्व के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों 7 समिट्स पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इनको 48 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे वरिष्ठ भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। आप साहस के क्षेत्र में पराक्रम, बहादुरी और धैर्य की मिसाल हैं और महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं। साहस के प्रति उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देते हुए श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल को भूमि साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2016 दिया जाता है। श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल। श्री मोरे रोहन दत्तात्रेय, इन्होंने ओशियन 7 स्विमिंग की 7 चुनौतियों में से 6 को पूरा किया है। इस समय विश्व की ओशियन 7 स्विमर्स की सूची में इनका 7वां स्थान है। इन्होंने खुले जल में ट्रिपल क्राउन स्विमिंग को एक वर्ष में पूरा किया और इस कार्य को सफलतापूर्वक करने वाले ये प्रथम भारतीय तैराक हैं। इन्होंने 11 वर्ष की छोटी आयु में धर्मतर से गेटवे ऑफ इंडिया चैनल को पार किया था। साहस के प्रति उत्कृष्ट उपलब्धि और योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए श्री मोहन रोहन दत्तात्रेय को जल साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2016 प्रदान किया जाता है। श्री मोरे रोहन दत्तात्रेय। ब्रिगेडियर अशोक अब्बे, एवीएसएम सेवानिवृत्त, इन्होंने अनेक सफल पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व किया है जिसमें पहली बार बोतलबंद ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए बिना 8,013 मीटर के पहाड़ पर एक भारतीय दल द्वारा की गई चढ़ाई, प्रथम सफल भारतीय एवरेस्ट मैसिव अभियान में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की 7वीं टीम बनना और पहले ही भारतीय प्रयास में त्रिशूल ट्रेवर्स 7,120 मीटर की सफल चढ़ाई करना शामिल है। इन्होंने नूब्रा विंटर ट्रेवर्स अभियान की अगुवाई भी की। इन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ एक्सिस में भारतीय सेना के त्रिशूल ट्रेवर्स एक्सपीडिशन टीम बचाव अभियान, कश्मीर की ऊपरी निकनाई वैली में फंसे आम लोगों के बचाव, दुर्घटनाग्रस्त पवन हंस हेलीकॉप्टर से शव और मलबे को निकालने, स्कीयर्स के बचाव, पर्वतारोहियों नागरिकों के शव बरामद करने आदि सहित अनेक पर्वतीय बचाव अभियानों को संचालित किया। ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग भारत में आयोजित पहले एशिया कप की आयोजन समिति के अध्यक्ष थे जिसमें 13 देशों ने भाग लिया। ये इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन स्वर्ण पदक के विजेता हैं।
साहस के क्षेत्र में निरंतर प्रतिबद्धता, उत्कृष्ट योगदान और साहस की अद्वितीय भावना को मान्यता प्रदान करते हुए ब्रिगेडियर अशोक अब्बे एवीएसएम सेवानिवृत्त को जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2016 प्रदान किया जाता है। ब्रिगेडियर अशोक अब्बे एवीएसएम सेवानिवृत्त। ग्रुप कैप्टन वेद प्रकाश शर्मा। भारतीय वायुसेना में सेवा अधिकारी के रूप में कार्यरत ग्रुप कैप्टन वेद प्रकाश शर्मा ने 3238 जंप का कीर्तिमान स्थापित किया और इनको 500 से 25,000 फीट तक की ऊंचाई से 22 विभिन्न प्रकार के हवाई जहाजों से 27 अलग अलग प्रकार के पैराशूटों से स्काई डाइविंग करने का गौरव प्राप्त है। इन्होंने द्वितीय राष्ट्रीय स्काई डाइविंग चैंपियनशिप में फ्री फॉल स्टाइल में राष्ट्रीय चैंपियनशिप और तृतीय राष्ट्रीय स्काई डाइविंग चैंपियनशिप में ओवरऑल इंडिविजुअल नेशनल स्काई डाइविंग चैंपियन ट्रॉफी और सर्वश्रेष्ठ स्काई डाइवर पुरस्कार जीता है। इन्होंने पैरासेलिंग शिविरों का आयोजन किया और वर्ष 1999 से 2002 तक 1,000 से अधिक सुरक्षित लॉन्च करवाए। वर्ष 2006 से 2009 तक प्रतिष्ठित भारतीय वायुसेना प्रदर्शनी स्काई डाइविंग टीम आकाशगंगा के ये टीम लीडर थे। ये देश में ऐसे इकलौते स्काई डाइवर हैं जिन्होंने स्काई डाइविंग की चारों प्रमुख विधाओं फॉर्मेशन स्काई डाइविंग, कैनोपी रिलेटिव वर्क, फ्री फॉल स्टाइल और एक्यूरेसी लैंडिंग में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने 7 अंतर्राष्ट्रीय स्काई डाइविंग चैंपियनशिपों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये पिछले 27 वर्षों से देश में एरो एडवेंचर को बढ़ावा देने में एक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। साहस के क्षेत्र में सतत प्रतिबद्धता, उत्कृष्ट योगदान और साहस की अद्वितीय भावना को मान्यता प्रदान करते हुए ग्रुप कैप्टन वेद प्रकाश शर्मा को जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2016 प्रदान किया जाता है। ग्रुप कैप्टन वेद प्रकाश शर्मा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2016-17। वर्ष 1956-57 में आरंभ की गई प्रख्यात मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी माँ का एक रनिंग ट्रॉफी है जिसे उस विश्वविद्यालय को दिया जाता है जिसने खेलों में सर्वोत्तम प्रदर्शन दिखाया हो। माँ का ट्रॉफी के विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और विश्वविद्यालय द्वारा रखे जाने के लिए रोलिंग ट्रॉफी की एक लघु प्रतिकृति दी जाती है। समग्र विजेता विश्वविद्यालय की सिफारिश करने के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार वर्ष 2016-17 के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के विजेता के रूप में पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला को विजेता घोषित करती है। वर्ष 2016-17 के लिए माँ का ट्रॉफी पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला को प्रदान की जाती है। प्रोफेसर बी एस घूमन वाइस चांसलर, डॉक्टर गुरप्रीत कौर रंधावा निदेशक पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2017। केंद्रीय विद्यालय संगठन उभरते हुए युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए श्री संतोष कुमार कमिश्नर केवीएस। केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना दिसंबर 1963 में 20 रेजिमेंटल विद्यालयों को लेकर की गई थी
आज देश विदेश में कुल 1168 केंद्रीय विद्यालय स्कूली शिक्षा में नवाचार और गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए अग्रणी भूमिका में अपनी विशिष्ट पहचान के लिए जाने जाते हैं। केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना प्रमुख रूप से केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों, जिनमें रक्षा और अर्धसैनिक बलों के कर्मी भी शामिल हैं, उनके बच्चों को निर्बाध शिक्षा प्रदान करते हुए बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। खेलकूद के क्षेत्र में KVS बच्चों की प्रतिभा के पल्लवन हेतु विद्यालय स्तर से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करते हुए उनकी शैक्षणिक गतिविधियों को भी निर्बाध रूप से संचालित करता है। हाल ही में KVS ने स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम के माध्यम से अपने 12 लाख से अधिक बच्चों को फिटनेस रिपोर्ट कार्ड निर्गत करने की एक अनूठी पहल की है। उभरती हुई युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण के क्षेत्र में इनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त श्री संतोष कुमार मल्ल को प्रदान किया जाता है। श्री संतोष कुमार मल्ल, कमिश्नर KVS। ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम खेलों को कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से प्रोत्साहन। श्री संजय कुमार सिंह, CMD IDCO। IDCO की स्थापना वर्ष 1981 में उद्योग व्यापार और वाणिज्य की स्थापना और वृद्धि के लिए अभिजात औद्योगिक एस्टेट और क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के उद्देश्य से की गई थी। IDCO औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक अवसंरचना का सृजन करता है। IDCO ने उड़ीसा राज्य में खेलों के संवर्धन के लिए गठित ओडिशा खेल विकास और संवर्धन कंपनी, राज्य सरकार की एक पूर्णतः गैर लाभकारी कंपनी का गठन किया। इस कंपनी ने विभिन्न खेलों, खासकर हॉकी के विकास के लिए सराहनीय कार्य किया है। ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में भी खेलों के विकास के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन कार्यों में माननीय उद्योग मंत्री श्री निरंजन पुजारी और अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री संजय कुमार सिंह ने अहम योगदान दिया है। कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के क्षेत्र में इनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम को वर्ष 2017 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री संजय कुमार सिंह, CMD IDCO। द गोल्फ फाउंडेशन, विकास के लिए खेल। श्री अमित लूथरा, फाउंडर प्रेसिडेंट द गोल्फ फाउंडेशन। द गोल्फ फाउंडेशन की स्थापना भारत में प्रतिभाशाली वंचित गोल्फ खिलाड़ियों के संवर्धन के उद्देश्य से वर्ष 2000 में की गई। ये फाउंडेशन कई युवा प्रतिभाशाली गोल्फ खिलाड़ियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने के योग्य बनाने हेतु सहायता प्रदान करती है। फाउंडेशन भारत और विदेश दोनों में विभिन्न गोल्फ टूर्नामेंटों के खेल के लिए वित्तीय सहायता देती है। फाउंडेशन के कई लाभार्थी अपने गोल्फ कौशल के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में चुने गए हैं। गोल्फ फाउंडेशन भारतीय गोल्फ संघ से संबद्ध है और भारतीय व्यावसायिक गोल्फ टूर द्वारा समर्थित है। विकास के लिए खेल के क्षेत्र में योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार द गोल्फ फाउंडेशन को प्रदान किया जाता है। श्री अमित लूथरा, फाउंडर प्रेसिडेंट द गोल्फ फाउंडेशन। द रिलायंस फाउंडेशन, विकास के लिए खेल। मिसेज नीता मुकेश अंबानी, द रिलायंस फाउंडेशन।
रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विभिन्न परोपकारी कदमों की प्रेरणा हेतु की गई थी। खेल राष्ट्रों और पीढ़ियों को इकट्ठा लाते हैं और इनके अंतर को भरते हैं। इन्हें शारीरिक कार्यकलाओं और खेलों के माध्यम से सीखने के आवश्यक घटक के रूप में माना जाता है। हमारे देश के युवाओं में प्रायोजन की शक्ति देने के लिए रिलायंस फाउंडेशन अगस्त 29 को आयोजित विभिन्न खेलों और गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से समुदाय संपर्क के संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए 12 राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक रूप से खेल दिवस का आयोजन करता है। इससे युवाओं को समुदाय नेताओं में बदलने और ग्रामीण बच्चों के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करने में सहायता मिली है। रिलायंस फाउंडेशन खेलों को ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के बीच शिक्षण और नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के माध्यम के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है। विभिन्न गांवों के लोगों को इकट्ठा लाने से जातियों, पड़ोसियों और परिवारों के बीच संबंध घनिष्ठ होते हैं। ये पहल समुदाय भागीदारी में वृद्धि करने और पारंपरिक ग्रामीण खेलों के संवर्धन का एक माध्यम है। विकास के लिए खेल के क्षेत्र में योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार द रिलायंस फाउंडेशन को प्रदान किया जाता है। मिसेज नीता मुकेश अंबानी, द रिलायंस फाउंडेशन। राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो राष्ट्रीय खेल एवं साहस पुरस्कार समारोह 2017 का समापन किया जाए।